तो नमस्कार दोस्तों, आज के जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ, ये हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये वीवो के मोबाइल फोन के ऊपर है। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, वीवो वीवो का मोबाइल फोन आता है, उस वीवो के मोबाइल फोन को हम लोग अनलॉक टूल के माध्यम से कैसे रिपेयर करेंगे। सबसे पहली बात क्या है, वीवो के मोबाइल फोन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी लॉक लग जाता है या उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मोबाइल फोन में FRP लग जाता है या वीवो के अंदर कोई न्यू मोबाइल फोन न्यू सिक्योरिटी वीवो के अंदर जो न्यू सिक्योरिटी का जो ऑप्शन आया उसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, या वीवो के जितने भी मोबाइल फोन आ रहे हैं सारे मोबाइल फोन को हम लोग अनलॉक टूल के माध्यम से कैसे अनलॉकिंग करेंगे, दोस्तों आज मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ। इस वीडियो के माध्यम से वीवो के अंदर जितने भी क्वालिकॉम कंपनी के मोबाइल फोन आते हैं या मीडियाटेक के मोबाइल फोन आते हैं उन सारे मोबाइल फोन को हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे। दोस्तों वीवो ने पहली बात तो क्या है कि सिक्योरिटी को इस समय पर बहुत अपडेट कर दिया है। सिक्योरिटी अपडेट होने की वजह से बहुत सारे ऐसे मोबाइल फोन होते थे जो हमारे अनलॉक हो जाते थे डोंगल के माध्यम से, अनलॉक टूल के माध्यम से इजीली, वो अब नहीं हो पाते। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि वीवो ने कुछ चीजें ऐसी हैं जिन चीजों को अपडेट करने से वो किसी दूसरे के माध्यम से कनेक्ट हो रही हैं और तब मोबाइल फोन को हम लोग अनलॉक कर पाते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में उसी के बारे में जिक्र करेंगे। और आज की वीडियो में जो वीवो के मोबाइल फोन लॉक नहीं खुल पाते हैं जिस कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी चीजों को हम लोग आसानी से रिपेयर करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहां पर आपको मोबाइल फोन और लैपटॉप है इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स आपको सिखाए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग होती है, थ्योरेटिकल है प्रैक्टिकल है दोनों माध्यम से आपको सिखाया जाता है। बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग आपको बताया जाता है। पूरे कोर्स को हम लोग दोस्तों प्रैक्टिकली माध्यम से ही हम आपको सिखाते हैं, जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे हैं समझा रहे हैं उसी तरीके से जब आप मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो उसी तरीके से हम आपको सिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हमारा जो वीडियो होने वाला है वो वीवो के मोबाइल फोन के ऊपर है, अनलॉक टूल के माध्यम से लॉक तोड़ना, FRP हटाना, न्यू सिक्योरिटी को हटाना, क्वालिकॉम मीडियाटेक के जो भी मोबाइल फोन आते हैं सभी मोबाइल फोन के बारे में सीखेंगे। तो चलो चलते हैं हम अपने सिस्टम के ऊपर। सबसे पहली बात क्या करेंगे, हम लोग वीवो पर क्लिक करेंगे। जैसे इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको ओप्पो के बारे में बताया हुआ था कि यदि हमारे पास ओप्पो कंपनी का मोबाइल फोन आता है तो ओप्पो कंपनी के मोबाइल फोन को हम लोग कैसे रिपेयर करते हैं, हमने इसके बारे में समझा था। लेकिन अब हम लोग जो समझने वाले हैं वो वीवो के मोबाइल फोन को समझने वाले हैं। यदि हमारे पास कोई भी वीवो कंपनी का मोबाइल फोन आता है तो वीवो कंपनी के मोबाइल फोन को हम लोग सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे उसका तरीका हम लोग समझेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इसके बहुत सारे फंक्शन आते हैं, जैसे फंक्शन है मेटा मोड है, डायग्नोस्टिक है, रिमूव डेमो है, ये सारे अलग अलग तरीके के फंक्शन आते हैं। और इस फंक्शन में जाकर के आप जब चेक करेंगे फंक्शन, ये मेटा मोड है, डायग्नोस्टिक है, रिमूव है, ब्रो, तो आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन को जब आप फॉर्मेट करना चाहते हो तो फॉर्मेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पर वीवो का जो भी मॉडल आता है उस मॉडल को यहाँ पर आप ले लेंगे। जैसे मान लिया वीवो का आपके पास मोबाइल फोन आ गया वीवो Y12, तो यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे वीवो वीवो Y12। जैसे वीवो Y12 आप टाइप करेंगे तो वीवो Y12 टाइप करते ही आपके मोबाइल फोन में देखिए ऐसे इस तरीके से फंक्शन खुल जाएंगे। ये फंक्शन जब आपके खुल जाते हैं तो इन फंक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन खुलने के बाद जो भी मॉडल आते हैं उस मॉडल को आप क्या करेंगे, एक एक करके सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मॉडल को आप सिलेक्ट कर लेंगे तो मॉडल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप आएंगे, जैसे आपने यहाँ पर मॉडल ले लिया Y12 ले लिया, Y15 ले लिया, देखो न्यू सिक्योरिटी दिया हुआ है, आप यहाँ पर जाएंगे ले लिया। लेने के बाद आप उस मोबाइल फोन को क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे जब आप आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा ना सेफ मोड फॉर्मेट, ये दोस्तों ये सेफ मोड फॉर्मेट का जो ऑप्शन आता है, इस सेफ मोड फॉर्मेट के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन को हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। ये देखिए, तो जैसे आप सेफ मोड फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे
आपका मोबाइल फोन यहाँ पर फॉर्मेटिंग के लिए बोलेगा, आपको क्या कर देना है कि वॉल्यूम प्लस माइनस दबा करके मोबाइल फोन को कनेक्ट करा देना है। जैसे आप मोबाइल फोन को कनेक्ट करा देंगे तो आपका मोबाइल फोन कनेक्ट होगा और आपके मोबाइल फोन में फॉर्मेटिंग आपकी चालू हो जाएगी। अगर आप उस मोबाइल फोन में खाली एफआरपी हटाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इरेज एफआरपी का ऑप्शन आता है, ये देखिए। तो जैसे आप इरेज एफआरपी पे क्लिक करेंगे तो इरेज एफआरपी पे क्लिक करते ही वहां पर एफआरपी का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर आप मोबाइल फोन में एफआरपी को हटा सकते हैं। वीवो को जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, सारे मोबाइल फोन में, अगर कुछ वीवो का ऐसे मोबाइल फोन आते हैं जो नई सिक्योरिटी आ गई है तो उसको आप मेटा मोड से भी कर सकते हैं। मेटा मोड में जाएंगे, मेटा मोड में आप कोई भी मॉडल आता है उस मॉडल को ले लेंगे। मॉडल लेने के बाद यहां पर आप क्या करेंगे, फैक्ट्री रीसेट है। जैसे आप क्लिक करेंगे बस प्लस माइनस दबा करके डाटा केबल को घुसेड़ देंगे और आपका मोबाइल फोन में फॉर्मेटिंग हो जाएगी और आपका मोबाइल फोन क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। तो इसके माध्यम से जो भी मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन को फॉर्मेट कर पाते हैं। अच्छा, वीवो के अंदर जितने भी नए मॉडल आ गए तो उसमें सिक्योरिटी अपडेट आ गई है। तो सिक्योरिटी अपडेट होने से क्या होता है, न्यू सिक्योरिटी का ऑप्शन आ गया है। न्यू सिक्योरिटी का मतलब होता है टेस्ट पॉइंट। जैसे टेस्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो टेस्ट पॉइंट पे क्लिक करते ही ये वीवो पे जाएंगे। वीवो का मान लिया आपके पास जो भी मॉडल आ गया, वीवो वाई 12 आ गया, वीवो वाई 12 टेस्ट पॉइंट लिखा हुआ, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसमें क्या करना होता है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। ये देखिए इसमें क्या करना होता है, जहां पर मीडियाटेक लिखा हुआ है ये आपका सीपीयू है, ये एमएमसी है, ये आपका क्या लगा हुआ है सीपीयू, ये आपकी एमएमसी आईसी लगी है। हमारे पास जो क्लॉक का पॉइंट होता है, इस क्लॉक को पॉइंट को लेकर के हम जम्पर ग्राउंड पे लगा देते हैं। कहां पर लगा देते हैं, ग्राउंड पे, कहीं भी आप जाली वाली पे टच कर देंगे। जैसे जाली पे टच कर देंगे फिर आप मोबाइल फोन को कनेक्ट कराएंगे तो मोबाइल फोन आपका ब्रूम मोड में तुरंत पोर्ट बना लेगा। आपका मोबाइल फोन जैसे ब्रूम मोड में पोर्ट बना लेगा तो ब्रूम मोड में पोर्ट बनाते ही आपका मोबाइल फोन क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। जब आपका मोबाइल फोन कनेक्ट हो जाएगा तो कनेक्ट होते ही आप मोबाइल फोन में जो भी आप यहां से जो भी कमांड देंगे कि जैसे आप उसको फॉर्मेट करने के लिए देंगे तो फॉर्मेट हो जाएगा, एफआरपी हटाने के लिए देंगे तो आपका एफआरपी हट जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि ये जाली जो आती है वो शील्डेड आती है, वो जाली बहुत आपको सावधानी से उतारना है। जब जाली आप सावधानी से उतार देंगे तो सावधानी से उतारने के बाद ही आपके अंदर सीएलके का पॉइंट आपको मिलेगा। ये सीएलके का जो पॉइंट होता है यही इसका टेस्ट पॉइंट होता है। सीएलके के पॉइंट को जैसे ही आप ग्राउंड से शॉर्ट कराते हैं तो ग्राउंड से शॉर्ट कराने से आपके मोबाइल फोन में ब्रूम मोड एक्टिवेट हो जाता है। ब्रूम मोड एक्टिवेट होने का मतलब होता है, आप अपने जब डिवाइस मैनेजर में जाकर के देखेंगे तो वहां पर ऑटोमेटिक आपका मोबाइल फोन केबल लगाएंगे तो आपका मोबाइल फोन ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा और वहां पर मीडियाटेक कॉम 7 इस तरीके से ऐसे पोर्ट आपको बना लेगा। जब आपको पोर्ट बना लेगा तो आप ये समझ जाएंगे कि आपका मोबाइल फोन कंप्यूटर से कनेक्ट हो चुका है। फिर उसके बाद जब आपका फोन कनेक्ट हो जाएगा तब आप अपने सिस्टम से अनलॉक टूल के माध्यम से आप कमांड देंगे। क्या कमांड देंगे, उसके लिए आपको यहां पर देखिए लिखा ना, ये स्क्रीन फ्रीज है, मैं हटाता हूं जरा, ये देखिए। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ ब्रूम मोड और एडीएल मोड। तो ब्रूम मोड एडीएल मोड का मतलब होता है जो मीडियाटेक के सीपीयू होते हैं वो ब्रूम मोड पे जाते हैं, जो क्वालिकॉम के सीपीयू होते हैं वो तुम्हारे एडीएल मोड पे जाते हैं। किस पे जाते हैं, एडीएल मोड पे जाते हैं। जैसे आप मोबाइल फोन को कनेक्ट करा लेंगे तो मोबाइल फोन को कनेक्ट कराते ही आपका मोबाइल फोन कनेक्ट हो जाएगा। मोबाइल फोन कनेक्ट होने के बाद आप उस मोबाइल फोन की फॉर्मेटिंग हो जाएगी, फॉर्मेट होने से आपके मोबाइल फोन में लॉक खुल जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी वीवो के मोबाइल फोन आते हैं, नई सिक्योरिटी पुरानी सिक्योरिटी या जो भी मोबाइल फोन आते हैं आप उनको कर सकते हैं। यदि आपके पास वीवो का मोबाइल फोन आता है जिसके अंदर क्वालिकॉम सीपीयू लगा होता है, जैसे वीवो U10, अगर आप U10 में जाएंगे तो U10 जो मोबाइल फोन आता है वो बिल्कुल सेम दिखने में बिल्कुल डिट्टो आपको Y12 जैसा दिखता है। Y12 15 17 अगर आप देख लेंगे तो लगेगा कि जैसे यही है। लेकिन समस्या क्या आती है कि उसके अंदर क्वालिकॉम सीपीयू लगा होता है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो मीडियाटेक के माध्यम से कनेक्ट करते रहते हैं लेकिन वो कनेक्ट नहीं होता क्योंकि उसके अंदर ईडीएल पॉइंट होता है। ईडीएल पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा, फोन खोलना पड़ेगा, अंदर दो टेस्ट पॉइंट होते हैं उनको शॉर्ट कराना पड़ेगा
डाटा केबल लगाना पड़ेगा, जैसे डाटा केबल लगाएंगे तो आपका मोबाइल फोन कनेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों इसका ईडीएल पॉइंट। टेस्ट पॉइंट में गए, टेस्ट पॉइंट में वीवो के बाद यहाँ पर U10। जैसे U10 डालेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका ADL पॉइंट आ जाएगा। वो ADL पॉइंट ये बताएगा, देखिए बता रहा है, थोड़ा मैं जूम करके बताता हूँ, ये देखिए ये बता रहा है कि भैया जहाँ पर बैटरी का तुम्हारा पता लगा हुआ है इस पत्ते को हटा दीजिए और इन दोनों पिनों को चिमटे से शॉर्ट करिए, बैंड ट्यूजर से आपस में शॉर्ट करिए, शॉर्ट करने पर डाटा केबल लगा दीजिए। जैसे डाटा केबल को लगा देंगे, डाटा केबल को लगाने का मतलब क्या है, ऐसा ये चिमटी आती है, इस चिमटी से क्या करना है, दोनों पॉइंट जो होते हैं दोनों पॉइंट को क्या करना है, शॉर्ट करना है। जैसे दोनों पॉइंट को शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करने के बाद जैसे आप डाटा केबल लगाएंगे तो डाटा केबल लगाते ही डिवाइस मैनेजर में आपका मोबाइल फोन पोर्ट बना लेगा। क्या बना लेगा, क्वालिकॉम SH COM3 COM5 COM17 COM27 0 से लेकर 99 तक के बीच में कोई भी पोर्ट बना लेगा। जैसे आपका पोर्ट बना लेगा तो पोर्ट बनाने से आपको पता चलेगा कि आपका मोबाइल फोन कंप्यूटर से कनेक्ट हो गया। जब आपका मोबाइल फोन कंप्यूटर से कनेक्ट हो गया है तो आप क्या करेंगे, आप उसमें सेफ मोड फॉर्मेट पर क्लिक कर देंगे। सेफ मोड फॉर्मेट पर क्लिक कर देंगे, आपके मोबाइल फोन में फॉर्मेटिंग चलेगी, आपका मोबाइल फोन फॉर्मेट हो जाएगा। फिर अगर उसमें FRP रह जाता है तो आप उसमें Erase FRP भी क्लिक कर दें। जैसे Erase FRP भी क्लिक कर देंगे तो Erase FRP भी क्लिक करते ही मोबाइल फोन में क्या हो जाएगा, उसका FRP लॉक हो जाएगा। अगर आप उस मोबाइल फोन को फॉर्मेट कर देंगे तो फॉर्मेट हो जाएगा, FRP करेंगे तो FRP टूट जाएगा। तो इस तरीके से वीवो के मोबाइल फोन में कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन के अंदर या तुम्हारा CPU क्वालिकॉम लगा हो या उसके अंदर MediaTek CPU लगा हो, दोनों तरह के मोबाइल फोन को आप रिपेयर कर सकते हैं। वैसे अभी वीवो ने कोई भी ऐसा अभी SVD CPU का कोई भी मोबाइल फोन अभी फिलहाल नहीं निकाला हुआ है। ज्यादातर जो भी सारे मॉडल निकाले हुए हैं वो तुम्हारे क्वालिकॉम निकाले हुए हैं और MediaTek निकाले हैं। वीवो का ज्यादातर मॉडल आते हैं, अगर देखा जाए तो 100 में से अगर देखा जाए तो रेशियो रहता है कि 70-80% का रेशियो रहता है कि वो मॉडल जो निकालता है वो MediaTek के मोबाइल फोन निकालता है, MediaTek के मॉडल उससे ज्यादा होते हैं। अच्छा, वीवो में सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि वीवो एक ही तरीके के कम से कम 10 तरीके के मॉडल लॉन्च कर देता है, तो उसमें से हमारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन आती है कि वो भाई 16 भी उसी तरीके से दिखता है, उसमें 16-15 भी लिखा है, 16-06 लिखा है, 19-05 लिखा है, 19-16 लिखा हुआ है, तो वो 5-10 तरीके के मॉडल जो होते हैं वो एक ही तरीके के दिखते हैं। अगर उनमें एक ही तरीके के देखते हैं तो उसमें से आपको बहुत ध्यान देना होता है, बहुत फोकस करना होता है कि आप प्रॉपर मॉडल पे ही काम करें। अगर आप गलत मॉडल पे काम कर देंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी और आपको टेस्ट पॉइंट नहीं मिल पाएगा, आपको ADL पॉइंट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भाई उसमें तो आपको कोई चीज़ दिखती तो है नहीं, आप तो मॉडल के हिसाब से सारी चीज़ों को सर्च करते हो और सर्च करने के बाद बोर्ड में आप मैच कराते हो। पता चला आपके पास मोबाइल फोन है 19-16 का, तुम्हारे अंदर कन्फ्यूजन हो गए, तुम 19-15 नोड़े हो बैठे हो, फिर उसका टेस्ट पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए आप उसको देखो। अच्छा, कोई मॉडल आता है उस मॉडल के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप GSM Arena से भी देख सकते हो। GSM Arena भी उसका पूरा डिटेल बता देता है कि इसके अंदर भाई CPU MediaTek का है कि क्वालिकॉम का है, क्या डिटेल है, क्या फोटो है, फोन को आगे पीछे देख करके उसको 3D व्यू में मैच कर सकते हो कि आपके हाथ में जो फोन है आप उसी फोन को रिपेयर कर रहे हो, कहीं दूसरे फोन को तो रिपेयर नहीं कर रहे हो। ये लफड़ा वीवो का मोबाइल फोन पर बहुत होता है। ये कई बार हमारे ऐसे अक्सर स्टूडेंट हैं जो क्लास में सीखते हैं या जो ऑनलाइन सीखते हैं या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं तो उनको ऐसा बहुत परेशानी आता है, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए ही मैंने आपको ये सारा सबको समझाया। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन को हम लोग कैसे अनलॉकिंग करेंगे, कैसे मोबाइल फोन में FRP को हटाएंगे, कैसे मोबाइल फोन में उसको रीसेट करेंगे, इसके बारे में टोटल मैंने आज आपको वीडियो दिया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोगों ने वीवो के मोबाइल फोन को रिपेयर करने का तरीका क्या है उसके बारे में हमने सीखा हुआ है, और मैं आशा करता हूं कि जो भी सारी चीजें हम आपको समझा रहे हैं इन सब चीजों को अच्छे से आप लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसको अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारी चीज़ों को नोट कर रहे हैं। अगर कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप उन चीज़ों को समझें, उसके बावजूद भी दिक्कत आती है तो उससे संबंधित आपको कम से कम नीचे डिस्क्रिप्शन में 10 से 15, 20, 25 और भी वीडियो पड़ी हैं, आप उन वीडियो को भी वॉच करो ताकि हो सकता है कि आपके दिमाग के अंदर कोई डाउट्स हो तो डाउट्स क्लियर हो जाए। दूसरी बात क्या है,
जब आप चैनल से जुड़े हो या वीडियो के माध्यम से आप सीख रहे हो, अगर आपको वीडियो रेगुलर बेसिस पे हम लोग वीडियो डालते हैं, अगर कम से कम 2-3 वीडियो रेगुलर बेसिस पे डालते हैं, अगर आपको वीडियो नहीं मिल पाती तो आप एक काम करें कि दोस्तों मैसेज करें। क्या मैसेज करें? यस, हम आपको पर्सनली वीडियो दे सकते हैं, या आप चैनल के माध्यम से आप सब्सक्राइब हो जाएं। सब्सक्राइब होने से क्या होता है कि जो भी हम आपको वीडियो डालते हैं वो सारी वीडियो डेली बेसिस आपको मिलती रहती हैं और उनको आप वॉच करते रहते हैं। वीडियो वॉच करने के बाद नीचे एक पॉजिटिव कमेंट करें ताकि आपको वीडियो के माध्यम से जो भी चीज़ें सिखाई जा रही है आपको समझ में आ रहा है, कॉपी पेन नोटबुक बना लें ताकि एक एक करके सारी चीज़ों को समझें। अच्छा, वीवो का मोबाइल फोन में एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर जितने भी सारे हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रॉब्लम ये आती है कि मॉडल नहीं पता कर पाते हैं। तो मॉडल पता करने के लिए मैं बहुत अच्छा रास्ता बताता हूँ कि अगर आप वीवो का कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन में लॉक लगाए। क्या लगाए? लॉक लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसका कैमरा ओपन करिए। कैमरा ओपन करने के बाद एक फोटो खींचिए, आगे पीछे सेल्फी कुछ भी लीजिए। उसके बाद आप उसकी डिटेल में जाएंगे तो डिटेल में जो भी मॉडल होगा उस मॉडल की इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगी, तो वहां से मॉडल आपको पता चल जाएगा। उसके बाद भी नहीं पता चलता तो और भी कई सारे रास्ते होते हैं, वो सब क्लास में आपको एक एक करके सब चीज़ों के बारे में सिखा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो को मैं आपने वीडियो के बारे में समझा है और वीडियो में आपको कैसा समझ में आया, क्या सारी चीजें हैं, तो आप हमको जरूर मैसेज करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि आप ही जैसे बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं नॉलेज है, सॉफ्टवेयर नहीं सीख पाए, किसी कारण से काम नहीं कर पाते, तो उनको वीडियो कहीं ना कहीं मिल जाए और वो लोग भी आप ही की तरह सब चीज़ों के बारे में सीख सकें और अच्छी तरीके से काम कर सकें। वीडियो को शेयर जरूर करें। दूसरी बात क्या है, अगर आप इन सब चीजों से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं या काफी साल से जुड़े हैं, मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान चला रहे हैं लेकिन फिर भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पाता, तो दोस्त एक बार समय निकाल करके एक बार ट्रेनिंग लो। अच्छी तरीके से ट्रेनिंग लोगे, अच्छी तरीके से काम करोगे तो आपका बिजनेस है, आपका व्यापार है, आपका काम करने का स्टाइल है, रिपेयरिंग करने का तरीका है, सारी चीजें बदल जाएंगी। जो कस्टमर आपके दुकान से वापस जा रहे थे, जो मोबाइल फोन कहीं और ठीक कराते थे, या ऐसी सिचुएशन में जो भी लोग आते थे वो सारे मोबाइल फोन फिर आपसे बनना स्टार्ट हो जाएंगे, आपसे रिपेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे और आप उन पर प्रैक्टिकल करेंगे तो आपका उन चीज़ों के बारे में अच्छा आपको अनुभव हो जाएगा। दोस्तों तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।